हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से समझेंगे। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम जापान के लोगों ने सुबह के समय में उगने वाले एक तारे के ऊपर रखा है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में तीन कैंडल होती हैं और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, या हम कह सकते हैं कि तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में तीन कैंडल होती है। पहली कैंडल बीरिश कैंडल होती है और लाल रंग की होती है। दूसरी कैंडल एक छोटी कैंडल होती है, इसमें ऊपर और नीचे की शेडो बराबर होती है, इसमें रंग का कोई महत्व नहीं होता, इस कैंडल को स्टार कहते हैं। तीसरी कैंडल बुलिश कैंडल होती है और ये ग्रीन रंग की होती है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की पहली कैंडल एक लॉन्ग बीरिश कैंडल और लाल रंग की होती है, और इसके बाद में जब दूसरी कैंडल बनती है तो उस कैंडल को पहली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस या क्लोजिंग प्राइस से गैप डाउन ओपन होना चाहिए और पहली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे ही क्लोज होना चाहिए। उसके बाद में मॉर्निंग स्टार की तीसरी कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है। तीसरी कैंडल को दूसरी कैंडल से गैप अप ओपन होकर पहली कैंडल के 50% से ऊपर या पहली कैंडल के ओपनिंग प्राइस के पास में क्लोज हो जाना चाहिए। यदि तीसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है तो ये एक इनवैलिड पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडल के वॉल्यूम से अधिक दूसरी कैंडल का वॉल्यूम और दूसरी कैंडल से अधिक तीसरी कैंडल का वॉल्यूम होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, किंतु प्राय चार्ट में देखा गया है कि कई बार वॉल्यूम बढ़ते क्रम में नहीं होने के बाद भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक दुरुस्त काम करता है। यदि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की सेकेंड कैंडल डोजी बनती है तो इसे मॉर्निंग डोजी स्टार भी कहते हैं। सो फ्रेंड, आइए समझते हैं कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाने के बाद इसको किस प्रकार चेक किया जाता है कि ये एक वैलिड पैटर्न है या इनवैलिड। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको एक नोटबुक और पेन लेकर के और मॉर्निंग स्टार की इमेज को ड्रॉ करना है। उसके बाद में मॉर्निंग स्टार की पहली कैंडल के हाई के ऊपर से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद में पहली कैंडल के ओपनिंग प्राइस से एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद में तीसरी कैंडल के क्लोज प्राइस से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद में सेकंड कैंडल के लो प्राइस से एक लाइन ड्रॉ करना है। इस प्रकार आप देखते हैं कि हमने हाई, ओपन, क्लोज और लो ड्रॉ किया, और इन सब को हम मिलाते हैं तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जो कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका नाम है हैम्बर। यदि पहली कैंडल का ओपनिंग प्राइस और तीसरी कैंडल का क्लोज प्राइस समान होता है तो आपको इस प्रकार ड्रॉ करने के बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाई देती है। फ्रेंड्स, यदि आप हैम्बर और ड्रैगन फ्लाई डोजी के विषय में नहीं जानते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से हैम्बर और ड्रैगन फ्लाई डोजी के विषय में जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में बन जाने के बाद किस प्रकार ट्रेड लिया जाता है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से पहले चार्ट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए और चार्ट के बॉटम में ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे। पहली कैंडल के हाई के ऊपर जब प्राइस ब्रेक करता है तो एंट्री लेना है और सेकंड कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया जाता है। उसके बाद आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि चार्ट में मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न किस प्रकार दिखाई देता है, कहां बनता है और इसके आधार पर कैसे ट्रेड लेते हैं। तो हमने समझा कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के बॉटम में बनता है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद एक क्लियर डाउन ट्रेंड दिखाई देना चाहिए जो कि आप चार्ट में देख रहे हैं। डाउन ट्रेंड के बाद चार्ट में बॉटम में एक कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप इस सर्कल के अंदर देखें तो यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल है और एक डोजी स्टार है और एक ग्रीन कैंडल है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको चार्ट में मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा तो कुछ इसी प्रकार का दिखाई देगा जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था, हूबहू इस प्रकार दिखाई नहीं देगा। तो आप
आपको कैंडल स्टिक ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे कि आप, तो फ्रेंड्स ये मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की पहली कैंडल है और ये दूसरी कैंडल है और ये तीसरी कैंडल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पहली कैंडल का जो क्लोज है उससे नीचे दूसरी कैंडल यानी स्टार कैंडल ओपन होती है और उसके नीचे ही क्लोज हो जाती है। उसके बाद में जो नंबर तीन कैंडल है वो सेकंड कैंडल से गैप अप ओपन होती है, उसके बाद नीचे आती है फिर ऊपर जाती है और जब यहाँ पर इसका हाई ब्रेक होगा तो हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर इसका जो हाई है वो ब्रेक होता है तो इस कैंडल से ऊपर हम बाय करेंगे। बाय हो जाने के बाद पहली और दूसरी कैंडल में से जिस भी कैंडल का लो है उस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेड ट्रिगर होने के बाद में एक अप ट्रेंड बना